हेलो फ्रेंड्स, तो देखिएगा आज हम आपको एक और ये नए डिजाइन की ड्रेस बना के बताएंगे। तो ड्रेस हम ये दो कलर से बनाएंगे। हमने दो कलर ले लिए हैं, गोल्डन कलर है हमारा और ये मूंगिया कलर है। और इसे बनाने के लिए हमने ये 10 नंबर सिलाई ले ली है। तो ये ड्रेस हम बनाएंगे 3 से 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इसे बनाने के लिए हमने इसमें 15 फंदे डाल लिए हैं और धागे, ये हमने फंदे डाले हैं सिंगल धागे से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिएगा, ये मूंगिया कलर से हमने गले का बॉर्डर बनाने के लिए फंदे डाले हैं। तो इसको हम गले के बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से ये उल्टा उल्टा हम बनाएंगे इसको गले के बॉर्डर के लिए। हमारी पहली सिलाई है ये, और सीधे तरफ से भी हम ये सीधा तरफ है हमारा उल्टा बनाएंगे और उल्टे तरफ से भी उल्टा बनाएंगे। तो दोनों तरफ से इस तरीके से बनाते हुए इसको हम इसकी टोटल 4 सिलाई उल्टी उल्टी दोनों साइड से बना लेते हैं इस तरीके से। तो देखिएगा ये पहली सिलाई हमारी पूरी बन चुकी है इस तरीके से। सभी फंदों को हमने एक जैसा बना लिया है। अब हम बैक साइड हैं, तो बैक साइड में भी हम देखिएगा इसको उल्टा उल्टा इस तरीके से बना लेते हैं। तो बना लेते हैं 4 सिलाई इसी तरीके से, फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने बैक साइड से गोल्डन कलर को बनाते हुए चले आए हैं। अब हम सीधे तरफ हैं, तो सीधे तरफ से हम ये इसमें जालियाँ डालेंगे। तो देखिएगा दो फंदे हमने बॉर्डर के बना लिए हैं उल्टे उल्टे, और धागा अपनी तरफ है, और हम इसमें एक जाली और यहाँ पे ये दो जाली बनाई हमने इस तरीके से। तो अब एक फंदा बनाएंगे सीधा बाजू के लिए, और फिर से दो जाली डालेंगे, एक जाली धागा अपनी तरफ किया, ये दो जाली। अब एक फंदा फिर सीधा बनाएंगे पीछे के पार्ट के लिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक जाली और ये दो जाली, और एक फंदा सीधा बाजू के लिए, और फिर से दो जाली डालेंगे, एक जाली और ये दो जाली, धागा अपनी तरफ किया, और दो फंदे ये बॉर्डर के। और उल्टी तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं सभी फंदों को, जाली वालों को भी और जो बनाए हैं उनको भी। धागे को दबाते हुए चलेंगे इस तरीके से, और ये सभी फंदों को हम बनाते हुए चले जाते। देखिएगा फिर से हम सीधी तरफ आ गए हैं। अब जो दो फंदे हमारे बॉर्डर के हैं उनको हम बॉर्डर का ही बनाएंगे, एक और ये दो। धागा पीछे किया, ये जो हमने जाली डाली थी इसको बनाएंगे सीधा, और धागा अपनी तरफ किया, और इस फली पे हम इस पर जाली डालते हैं, फिर से जाली डाल दी, और धागा अपनी तरफ किया, और देखिए इस जाली पे ये जाली डाल दी। अब दो फंदे हम बनाएंगे सीधे ये इस तरीके से, और ये जाली वाला भी ये भी सीधा। ये बाजू के लिए हमारे फंदे हैं, धागा अपनी तरफ किया और फिर से फली पे फिर से जाली डाल दी, ये बाजू के हो गए, धागा अपनी तरफ किया, फिर जाली डालेंगे, और ये एक दो और ये तीन इस तरीके से पीछे के हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर जाली डालेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, फिर जाली पे जाली डालेंगे। अब ये दो फंदे सीधे बाजू के लिए इनको बना लेते हैं, और एक ये बना ली हमने, फिर धागा अपनी तरफ, फिर फली पे ही जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से ये जाली डाल दी, और एक फंदा ये सीधा आगे के पार्ट के लिए, और दो फंदे ये लास्ट के बॉर्डर के। तो दोनों साइड हमने दो दो फंदे ये बॉर्डर के लिए रख लिए हैं। तो इसी तरीके से हम ये 4 जाली बना लेते हैं। 2 जाली हमारी बन चुकी हैं, 2 और बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने ये 4 जालियाँ इस तरीके से बना ली हैं, 1 2 3 4। अब हम हैं सीधे तरफ, हम बैक साइड से किनारा बनाने के लिए और इसको मूंगे कलर को लगा लिया है। तो अब हम बाजू इसमें बंद करते हैं। तो
तो देखिएगा जाली से जाली तक का हिसाब होता है। तो जाली तक के जो फंदे हैं उनको हम बना लेते हैं इस तरीके से। ये दो बॉर्डर के, इनको बॉर्डर का बनाएंगे इस तरीके से, और ये बाकी फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बनाएंगे। और देखिए हमने जाली तक के फंदे बना लिए। अब ये जो हमारा फली का फंदा है इसको भी बना लेंगे, और अब हम जाली नहीं डालेंगे और धागा देखिएगा इधर ही है हमारे सीधे तरफ। अभी हमारे बीच में जो फंदे हैं 2, 4, 6, 8, 10 फंदे हैं, इन्हें हम बाजू के लिए बंद कर देते हैं इस तरीके से। एक बना और इसके ऊपर से इसको स्लिप करा, फिर दूसरा बनाया इसको स्लिप किया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए हमने 10 फंदे इनको घटा लिया है, और पीछे वाले फंदों को हम बना लेते हैं। तो देखिएगा हमने पीछे के फंदे बना लिए हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 फंदे हमारे पीछे के हैं। अब हम फिर दूसरी बाजू के 10 फंदे फिर से घटाते हैं इस तरीके से, देखिएगा बुनते हुए फंदे को, और एक दूसरे के ऊपर से स्लिप कर देंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। हमने 10 फंदे देखिए दूसरी बाजू के घटा दिए हैं, तो इन फंदों को ही हम ये बना लेते हैं। तो देखिएगा हमारे तीन पार्ट अलग अलग हो रखे हैं, तो अब हम इन तीनों को एक साथ करके ये इस तरीके से देखिएगा ये बिल्कुल पास में करते हुए टाइट करके इनको बना लेंगे। इसे बनाने के लिए हम सभी फंदों को टाइट करके एक साथ बनाएंगे। और अब हम बनाएंगे कमर, तो कमर बनाने के लिए हम ये इसमें बना लेते हैं 6 सिलाई, ये 8 सिलाई, और आपको लंबी कमर पसंद है तो आप 10 सिलाई भी, 10 सिलाई की बहुत ज़्यादा लंबी कमर हो जाएगी, 8 सिलाई की ही काफ़ी कमर रहेगी। तो देखिएगा बाजू तक हमारी चोली बन के तैयार हो गई है। ये बाजू पे देखिए हमने किनारा लगाया, अच्छा लग रहा है जैसे क्रोशी से लगाया हो, मगर सिलाई से ही हमने बनाया है। तो हम ये 6 सिलाई बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमने ये कमर बना ली है, तो कमर बनाने के लिए हमने टोटल 6 सिलाई बनाई है, 3 सीधे तरफ से और 3 उल्टे तरफ से इस तरीके से। चोली तो हमारी बन के तैयार हो चुकी है, तो अब हमने फंदे नहीं बढ़ाए हैं, तो हम इसमें फंदे बढ़ा लेते हैं। ये दो फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, इनको बॉर्डर का ही बनाएंगे। और देखिएगा धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा बढ़ाया और धागा अपनी तरफ किया, फिर से जाली डालते हुए फंदे को बुन दिया। तो यहाँ पे हमारा ये इस तरीके से एक फंदा बढ़ गया, फिर से धागा अपनी तरफ किया, फिर फंदा बनाया, एक फंदे के 2 फंदे बन जाएंगे। तो पूरी सिलाई को हम इसी तरीके से बना लेते हैं उल्टे तरफ से, उल्टा उल्टा बनाते हुए हम ले आएंगे, और बॉर्डर के फंदों पर दोनों साइड हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पर बॉर्डर में एक और फंदे बढ़ाए हैं, ये यहाँ कमर का जो घेरा आता है इस पर, तो हम यहाँ से घेरा स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा डिजाइन भी डालेंगे साथ के साथ, और घेरे के हमने फंदे बढ़ा दिए हैं, 2 फंदे बॉर्डर के हमने बनाए, धागा पीछे किया। अब देखिएगा 1, 2, 3 और ये 4, हमने 4 फंदे बना लिए हैं यहाँ पे। और देखिएगा ये हमारा 5 फंदे हमने बनाए इससे। अब देखिएगा ये हमारा 6ठा फंदा है, 6ठे फंदे में हम एक बार बनाया फंदा, फिर इस फंदे को, इसी फंदे को 2 बार बनाया, देखिएगा
तीन बार बनाया, चार बार बनाया, पांच बार बनाया। हमने इसी फंदे को पांच बार बना लिया है। अब फिर से हम देखिएगा ये इससे बनाएंगे। अब दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ फंदे हमने बना लिए हैं। फिर से हम दूसरे कलर से एक बार बनाया, इसी फंदे को हम देखिएगा पांच बार बनाएंगे। दो बार बना लिए, तीन बार बनाया, चार बार बनाया और ये पांच बार, एक ही फंदे को हमने पांच बार बना लिया है इस तरीके से। और फिर से हम आठ फंदे बनाएंगे गोल्डन से, और नौवें फंदे पे हम ये एक फंदे को पांच बार बना लेंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरी सिलाई को बना लेते हैं। देखिएगा दो चार छः सात और ये आठ, फिर से इससे बनाएंगे। एक बार बनाया, दो बार बनाया, तीन बार बनाया, चार बार बनाया, पांच बार, एक ही फंदे को हमने इतनी बार बना लिया पांच बार। इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेते हैं। तो देखिएगा हमने पूरी सिलाई को इस तरीके से बना लिया है। अब हम उल्टे तरफ हैं, तो उल्टे तरफ से हम बताते हैं किस तरीके से बनाना है। जो हमारे ये गोल्डन कलर के फंदे हैं ये सादा हैं, इनको ऐसे ही सादा सादा हम बना लेंगे ये इस तरीके से। और जो हमारा मूंगे कलर है इसका धागा करेंगे पीछे की साइड, इनको बनाएंगे उल्टा इस तरीके से, एक दो तीन चार और ये पांच। ये जोड़े के फंदे नहीं डालने हैं, इसमें एक फंदा फालतू डालते हैं जिससे हमारे जब हम बनाएं बीच वाले फंदे को तो बराबर बराबर दोनों साइड फंदे आ जाएं। तो फिर से गोल्डन के देखिएगा इस तरीके से हम बनाते हैं फंदों को, इनको उल्टे तरफ से उल्टा बनाइए और इनको सीधा। अब ये वाला फंदा है हमारा मूंगे का, इसको पीछे करेंगे सीधे तरफ और इनको पांच फंदों को इस तरीके से, एक बनाया, दो बनाया, तीन बनाया, चार और ये पांच। धागा अपनी तरफ कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ये उल्टे तरफ से भी बना लेते हैं। तो देखिएगा हमने एक उल्टे तरफ से और एक सीधे तरफ से डिजाइन वाली सिलाई बना ली है। तो अब हम सीधे तरफ हैं, तो सीधे तरफ से हम देखिएगा ये दो फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, इनको हम बॉर्डर का ही बनाएंगे इस तरीके से उल्टा उल्टा। और बाकी हम सभी फंदों को इस तरीके से सीधी सीधी सिलाई भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से देखिएगा सभी फंदों को दोनों साइड से, ये एक उल्टे तरफ से उल्टी सिलाई और एक सीधे तरफ से उल्टी सिलाई, इस तरीके से सभी फंदों को ये इस तरीके से सभी फंदों को बना लेते हैं। तो ये दो सिलाई बना लेते हैं हम, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने एक सिलाई सीधी तरफ से और एक उल्टे तरफ से गोल्डन की बना ली है। तो हम फिर से डिजाइन डालेंगे। देखिएगा हमने पांच फंदे जो बनाए थे, ये जोड़े वाले नहीं बनाते हैं इनको इसलिए, तो यहाँ पर जो हम दो इधर रखेंगे डिजाइन की और दो इधर बीच वाला ही फंदा हमारा उस पर हम डिजाइन डालेंगे। और दो फंदे हम बनाएंगे बॉर्डर के और एक दो तीन चार और ये हमारा होगा पांच। अब यहाँ पे हमारा देखिए दो फंदे हमने इधर बना लिए हैं डिजाइन में से और दो तीन हमारे इधर हैं अभी, एक दो तीन। तो ये तीसरा फंदा है ना, इसी फंदे में से हम ये मूंगे वाले कलर से पांच बार बनाएंगे इस तरीके से। एक बार बनाया, दो बार बनाया, इसी फंदे को तीन बार बनाया, चार बार बनाया और ये पांच बार। देखिए हमने पांच बार बना लिया है। और फिर से हम
ये फंदे हमारे देखिए, यहाँ पे जो हमारे 5 फंदे थे, एक फंदे में से हम 5 बार बनाते हैं तो हमारे 4 फंदे बढ़ जाते हैं एक डिजाइन में, और जो हमारा 5वां फंदा है वो हम बनाते हैं वो वाला होता है। तो हर डिजाइन में हमारे ये 4 फंदे बढ़ के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा घेरा फैलता हुआ चला जाता है। फिर से देखिए बीच में आया है, इससे मूंगिया से हम बनाएंगे। ये एक बार बनाया, दो बार बनाया, तीन बार बनाया, 4 बार बनाया, और ये हमने 5 बार बनाया। इसी तरीके से हम इस डिजाइन को बनाते हुए चले जाएंगे। और उल्टे तरफ से हमने आपको बताया है, ये गोल्डन वाले को तो हम उल्टा ही बनाएंगे और इसको हम सीधे तरफ की तरफ बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम ये पूरा घेरा बनाएंगे। तो बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं घेरे की लंबाई के बराबर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने इसमें 3 डिजाइन डाल दी इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे बीच में 8-8 फंदे रखे थे, तो अब हमारे ये 16 फंदे हो चुके हैं। देखिएगा इतने फंदे बढ़ गए हैं। तो हमारे हर डब्बे के अंदर ये 16-16 फंदे हो चुके हैं। तो हमारे ये फंदे काफ़ी सारे हो चुके हैं और घेरा भी हमारा ये बनके कंप्लीट हो गया है। अगर आपको लंबा घेरा बनाना है तो आप इसमें एक डब्बी बना लीजिए, 2 डब्बी से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब हम देखिएगा, हमने एक सिलाई ये गोल्डन से सीधे तरफ से बना ली है इस डब्बी ये डिजाइन बनाने के बाद में, और एक उल्टे तरफ से बनाते हुए हम ले आए हैं। अब देखिएगा इसको हम बंद करते हैं। अगर आप चाहो तो ये 2 कलर का या 1 कलर का बॉर्डर भी बना सकते हो। यहाँ पे हमने बॉर्डर नहीं बनाया है, हम इसको डायरेक्ट बंद करते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से हम बंद करेंगे इस वाले धागे से, इस वाले से एक फंदा बनाया, बिन के बंद करेंगे, 2 फंदों को एक साथ में बंद करेंगे, और इसको इसके ऊपर से स्लिप किया, फिर एक फंदा बनाया, फिर इसको इसके ऊपर से स्लिप करा, फिर एक फंदा बनाया, फिर स्लिप करा। तो ये हमारी चेन बनके इस तरीके से आ जाएगी। देखिएगा इस तरीके से ये चेन टाइप में बनके कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। सभी फंदों को हम इसी तरीके से बंद करते हुए चले जाएंगे। देखिएगा इस तरीके से, तो ये हम बंद कर लेते हैं सभी फंदों को, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस इस तरीके से ये बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिएगा काफ़ी सुंदर लग रही है और कम समय में बनके तैयार भी हो चुकी है। और देखिएगा बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही आसानी से बना पाओगे। तो ये चोली है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।